प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि पूर्व एशिया शीर्ष बैठक से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की जाएगी शुरुआत। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हमारे आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की पहल की जाएगी, जिससे परस्पर सहयोग होगा मजबूत। ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अन्य दलों से मांगा समर्थन, कहा कोई राजनीतिक दल अछूत नहीं। उनकी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का भी करेगी समर्थन। सरकार ने कहा नीतिगत मामलों पर मतदान से गलत परंपरा होगी शुरू। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि नीतिगत फैसलों पर संसद में मतदान कराने की परंपरा नहीं है, इस बारे में सभी पार्टियों को करना चाहिए विचार। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसके पक्ष में है बहुमत। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि सरकार लोकसभा में बहुमत को लेकर पूरी तरह से है आश्वस्त। समाजवादी पार्टी ने एफडीआई को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम आसरे कुशवाहा ने कहा है कि अगर एफडीआई किसानों के हित में नहीं आता है तो उनकी पार्टी इसका करेगी विरोध। राजनीतिक दलों को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकपाल विधेयक पारित होने का है विश्वास। केंद्रीय जांच ब्यूरो को दिए गए मामलों की निगरानी करेगा लोकपाल। सीबीआई निदेशक का चयन एक वृहद पैनल करेगा। सरकार ने अन्ना हजारे की आलोचनाओं को किया दरकिनार, कहा जन लोकपाल के अनेक प्रस्तावों को किया समाहित। राज्यसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि लोकपाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट 23 नवंबर को राज्यसभा में की जाएगी पेश। कहा रिपोर्ट पेश होने के बाद सब कुछ हो जाएगा सार्वजनिक। लोकपाल पर गठित प्रवर समिति के सदस्य शिवानंद तिवारी ने कहा है कि समिति ने लोकपाल विधेयक में सर्वसम्मति से किए संशोधन। कहा समिति ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश के कोलेजियम के जरिए कराने की है सिफारिश। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बंगलुरु में एक बैठक। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख भी हैं शामिल। बैठक में केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति और इस क्षेत्र के लिए ऋण आवश्यकताओं पर हुई चर्चा। बिजली मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बिजली संयंत्रों को कोयले की सुविधा प्रदान करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। कहा आयातित और घरेलू कोयले तथा गैस की कीमतें उनके औसत के आधार पर रखने का किया जा रहा है विचार। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर सहित घाटी और लद्दाख क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान पहुंचा शून्य से नीचे। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में सोमवार रात तापमान शून्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे किया गया रिकॉर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी रूप में सोना खरीदने के लिए नहीं देखकर। केंद्रीय बैंक ने लोगों को किसी सटोरिया गतिविधि में शामिल होने से बचाने के लिए उठाया कदम। इसराइल और फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष को रोकने की मांग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दोनों पक्षों से हिंसा तुरंत रोकने की अपील।